भक्तदाताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने जो पुण्य का काम किया, जिस पुण्य से लोगों की जिंदगियां बची, आप सबको इस महान पुण्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जीवन में रक्तदान एक सबसे बड़ा पुण्य का काम होता है और ये भारत की संस्कृति है, संस्कार है। समर्पण है, त्याग की भावना है कि हम जब भी किसी भी अभाव वंचित दुखी व्यक्ति को देखते हैं तो उसकी सहायता सहयोग के लिए हमेशा हमारे संस्कार हमें प्रेरित करते हैं। और मैं यहां पर देख रहा हूं कि किस तरीके से 18 वर्ष की उम्र के नौजवानों ने, युवाओं ने, महिलाओं ने, पूरे परिवार ने, पति पत्नी ने अपना रक्त देकर कई लोगों की जिंदगियों को बचाने का काम किया। मुझे याद है कोरोना वैश्विक महामारी के समय, जब संपूर्ण दुनिया के अंदर कोरोना का संकट था, आपदा थी, उस समय भारत की यही सामूहिकता की ताकत, समर्पण की ताकत, सेवा के संस्कार थे जिसके कारण हम कोरोना जैसी आपदा चुनौतियों से लड़ पाए। उस समय मैंने देखा कि कई नौजवान जिनकी उम्र 18 साल, 19 साल, 20 साल है, लेकिन उन नौजवानों ने भी उस कोरोना महामारी की चिंता किए बिना किस तरीके से मेरे प्रयासों से इसकी जिंदगी बच सकती है, रक्तदान जैसा पुनीत कार्य किया। मैं जानता हूं भुवनेश जी को, जो लगातार काफी सालों से इस पुनीत कार्य को एक सेवा के रूप में कर रहे हैं। हमारे दिनेश जी विजय, जिन्होंने इस सेवा के प्रकल्प को साथ लेकर आगे बढ़े हैं, आप जैसे लोगों के कारण ही हम ये गर्व के साथ कह सकते हैं कि कोटा हाड़ौती राजस्थान के अंदर बिना खून के कोई भी व्यक्ति की मौत नहीं होगी, ये आप सबका संकल्प होता है। और आज के दिन अपना ब्लड बैंक, आपका खुद का ब्लड बैंक की शुरुआत कर आपने जो संकल्प किया है और संकल्प को सिद्धि करने के लिए जो आपकी समर्पण है, मुझे विश्वास है कि आप कोटा में जब कभी किसी भी व्यक्ति को जरूरत होगी, किसी भी ग्रुप की जरूरत होगी, आप उसकी आवश्यकता के अनुसार सबसे पहले उसकी जिंदगी को बचाने के लिए उसके लिए खून की व्यवस्था करने का काम करेंगे, लोगों को प्रेरित करेंगे। और यह खुशी है कि कई दानदाताओं ने 100 बार अपने का रक्तदान किया। एसडीपी देने का काम किया, उन सभी दानदाताओं को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। आप जैसे इन्हीं दानदाताओं के कारण
देश और राष्ट्र के प्रति ये समर्पित भाव के कारण आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा मिलेगी। आज भी समय एक वक्त आएगा जब भारत के अंदर रक्त देने वालों की कोई कमी नहीं होगी, और दुनिया के अंदर भी कोई आपदा आएगी, संकट आएगी, तो भारत उन आपदा और संकट के समय भी भारत की जनता उनके साथ खड़ी रहेगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।